आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज हम बनाने वाले हैं कटोरी चाट। कटोरी चाट इसके लिए मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मेरे घर पे बच गए हैं छोले। अगर आपके घर भी कभी छोले बच जाएं तो आप उसको ऐसे यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले बनानी होगी कटोरी। कटोरी बनाने के लिए आपको लेना है मैदा, चावल का आटा और साल्ट, और उसमें मोहन डालने के लिए आप घी या आप रिफाइंड यूज़ कर सकते हैं, उसको गूंथ लीजिए। उसके बाद आपको एक छोटी सी कटोरी लेनी है। पहले आपको लोई लेकर उसमें रोटी बनानी है और छोटी सी कटोरी लेके उसको चारों तरफ से जैसे मैंने आपको वीडियो में दिखाया है वैसे आपको रोटी को चिपका लेना है। उसके बाद आपको एक कढ़ाई रखनी है, तेल गरम होने देना है। तेल खूब गरम हो जाए तो आपको अपनी ये जो कटोरी आपने बनाई है इसको इसमें डाल देना है। और जैसे मैंने आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, देखिए दोस्तों, इसको जैसे मैंने कटोरी को घुमा घुमा के मैं इसको पका रही हूँ, ऐसे आप भी करेंगे तो ये जो कटोरी है वो अलग हो जाती है। कुछ टाइम के बाद जब ये कुरकुरी हो जाएगी, एकदम से कुरकुरी, तो आपको इसको निकाल के अलग कर लेना है। और जो बचा मेरे घर पे आज छोले बच गए थे, इसके लिए मैंने इसको आज सोचा कि थोड़ा अलग बनाती हूँ मैं, तो छोले को इसमें डाल लेना है। और आप जो जो चाट में डालते हैं, जो भी आपको पसंद हो, दही और प्याज, कटा हुआ प्याज, नमकीन डाल के आप इसको गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत यूनिक, मार्केट का चाट भूल जाएंगे आप। थैंक यू।